एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका और आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। अब वो क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में। अब जब भी ब्यूटी की बात आती है तो सबसे पहले हम सबके जहन में आते हैं हमारे बाल। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल घने दिखे, लंबे हो, काले हो और खूबसूरत हो। और अब तो वैसे भी गूगल का ज़माना है भाई, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम फटाफट गूगल पे कुछ भी सर्च करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम नानी, दादी, मम्मी इन सब के नुस्खे भी अपनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार सुंदर बालों के चक्कर में ना हम ऐसी बातों पर भी भरोसा करना शुरू कर देते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती, यानी वो एकदम मिथ होते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि हर सुनी सुनाई बात सच हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ठीक ऐसा ही है, आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे हेयर मिथ्स, यानी 5 ऐसी बातें जिन्हें आपको आज ही फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। देखिए, रोजाना अगर आप शैम्पू करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो बाल होंगे ना उनमें जो नेचुरल ऑयल्स है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब जब नेचुरल ऑयल्स ऑटोमेटिकली आपके बालों से हटने शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो आपके बाल जो होंगे वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। कमज़ोर होंगे तो उससे आपके बाल टूटेंगे। अब बाल टूटेंगे तो आपको परेशानी होगी। यानी इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप रोजाना शैम्पू है जो उसे करना बंद कर दीजिए। अगर आप शैम्पू करते हैं तो आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक कर सकते हैं, लेकिन डेली शैम्पू करने से आप अपने बालों को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप भी अपने बालों में हर महीने में या फिर हर डेढ़ महीने में जाके हेयर कट लेते हैं तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं ना वो यहाँ से ग्रो करते हैं। लोग मानते हैं कि हमारे जो बाल होते हैं वो एंड से ग्रो करना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे बाल जो होते हैं ना वो यहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं। और जब आप हेयर कट लेने जाते होंगे तो आपको हेयर ड्रेसर भी यही बोलता होगा कि आप नेक्स्ट हेयर कट जो है वो या तो 3 महीने बाद लेने आए या फिर 4-5 महीने बाद लेने आए। तो इसी से साफ है कि आप जब हेयर कट लेने जाएं तो आप 3 से 4 या 5 महीने बाद ही जाके हेयर कट लें, क्योंकि आपके बाल ना यहाँ से ग्रो करते हैं, एकदम एंड से ग्रो नहीं करते। तो जब आप हेयर कट यहाँ से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं हेयर, तो जब आप इन्हें कटवाएंगे यहाँ से, अपने बालों को, बालों की लेंथ कम करवाएंगे, तो आपके बाल घने दिखेंगे क्योंकि वो यहाँ से घने उग रहे हैं। इसलिए प्लीज़ हर महीने जाके अपने बालों में कैंची ना लगवाएं। आप 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने में जाके हेयर कट ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कम्प्लीटली मिथ है कि जब आप वाइट बाल तोड़ देंगे या फिर ग्रे हेयर तोड़ देंगे तो उसकी जगह और भी ज़्यादा हेयर्स आ जाएंगे सेम वाइट और ग्रे कलर के। तो ऐसा नहीं होता है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, हम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी एज जो है बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पिगमेंट सेल्स जो होते हैं ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं, वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब जब पिगमेंट सेल कम होगा तो उसकी वजह से हमारे बालों में ना कम मेलानिन जाएगा। अब कम मेलानिन जाएगा तो उसकी वजह से हमारे बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं या फिर वाइट होने शुरू हो जाते हैं। इन सब का अलग प्रोसीजर है, इसका आपके बालों से कोई लेना देना नहीं है कि आप तोड़ देंगे तो उसकी जगह और भी ज़्यादा ग्रे या वाइट हेयर आ जाएंगे। हाँ, बाल तोड़ने से आप अपने बालों को कमज़ोर कर रहे होते हैं, नष्ट कर रहे होते हैं। उसी के साथ एक रीज़न ये भी है कि जब आप अपने बाल तोड़ते हैं वाइट या ग्रे हेयर का, तो जो उसके आसपास का जो फॉलिकल होता है ना, उस फॉलिकल का बाकी के आसपास के फॉलिकल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम वाइट हेयर या ग्रे हेयर तोड़ने से सोच रहे हैं कि यार और ज़्यादा उग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर आ रहे हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो आप हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, हेयर डॉक्टर को दिखाइए, वो आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ, साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि वाइट हेयर्स कैसे उगते हैं, कैसे आप उन्हें रोक सकते हैं, कैसे आप अपने बालों को काला, घना और मजबूत रख सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगी। ये भी एक मिथ है, अगर आप अपने बालों में दिन में 2 से 3 बार हल्के हाथों से कॉम कर रहे हैं ना, तो आप उससे क्या होता है, आपका जो ये हेड होता है ना, आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो करने में अच्छे से मदद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप हल्के हाथों से कॉम करते हैं ना, तो वो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मजबूत होता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन भर बस कॉम करते रहेंगे, वो भी तेज़ तेज़ से,
तो उससे आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे और आपके बालों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लीज़ अगली बार से पूरा दिन भर आपको कॉम करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार अपने बालों में कॉम कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी दादी नानी मम्मी से ना सुनते थे कि बेटा अगर बालों को घना करना है, लंबा करना है तो खूब सारा तेल लगाओ। बचपन में मेरे साथ भी यही होता था, मम्मी दादी नानी बैठ जाती थी मुझे लेकर और खूब सारा तेल लगाती थी और कहती थी बेटा देख तेरे बाल ना बड़े काले होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। लेकिन ये भी एक मिथ है। जी हाँ, आप अपने बालों में ऑयल करें, अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करें, लेकिन आप शैम्पू करने से कुछ देर पहले, कहा जाता है कि आप मोस्टली 1 आवर या फिर 2 आवर पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली रोज़ाना भारी भरकम मात्रा में तेल लगाएं। तेल लगाएं, अच्छे से लगाएं, लेकिन शैम्पू करने से कुछ देर पहले। इससे क्या होगा कि आपके बाल मजबूत भी होंगे और शैम्पू करने के बाद आपके बालों में अच्छा से एक शाइनी लुक आएगा, एक ग्लो लुक आएगा। वेल, आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।